हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ये एग्जाम 13 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एस बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है सप्लीमेंट्री एग्जाम जो लिया गया था उसका यह क्वेश्चन पेपर है हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इंडक्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज का यूज करते हैं तो मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस अगर मेजर करना हो तो मैक्सवेल ब्रिज हे ब्रिज और एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं डी शॉर्टिव ब्रिज से हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं कैलविन डबल ब्रिज से हम लोग लो रेसिस्टेंस लो मेजर करते हैं तो इंडक्टेंस के लिए पूछा है तो मैक्सवेल ब्रिज हो जाएगा वन का क्या हो जाएगा सी वन का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीसी ब्रिज कौन सा डीसी ब्रिज है तो कैलविन डबल ब्रिज विट ब्रिज मेगर ये सब क्या है डीसी ब्रिज में आ जाएगा ठीक है ना एंडरसन ब्रिज हे ब्रिज मैक्सवेल ब्रिज ये तीनों ब्रिज से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करते हैं और ये तीनों जो है मैक्सवेल ब्रिज एंडरसन ब्रिज और हे ब्रिज ये एसी ब्रिज है ठीक है ना तो रेसिस्टेंस जिसे मेजर करते हैं वो डीसी ब्रिज और इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस मेजर करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो वो एसी ब्रिज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है रिपीटेबिलिटी इज एन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल रिपीटेबिलिटी मीन्स एक ही वैल्यू बार बार जो है प्रोड्यूस uh, करेगा तो उसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेम चीज़ है तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा थ्री का बी क्वेश्चन नंबर फोर है डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ पावर कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बोथ ए एंड बी तो मेजरमेंट रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए और कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर दोनों के लिए यूज किया जाता है बोथ एंड बी ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है डैश ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक ह्यूमन मिस्टेक के कारण ग्रॉस एरर होता है ठीक है ना हम लोग जो एक्सपेरिमेंटर होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके कारण जो एरर एरर प्रोड्यूस होता है उसको ग्रॉस जाता है ह्यूमन मिस्टेक के कारण क्वेश्चन नंबर सिक्स है वोल्टेज ऑफ स्टैंडर्ड सेल यूज इन क्रोमटर्म्स डीसी पोटेंशियोमीटर में क्रोमटर्म्स डीसी पोटेंशियोमीटर में जो वोल्टेज uh, यूज किया जाता है स्टैंडर्ड सेल के लिए वन पॉइंट जीरो वन एट सिक्स वोल्ट होता है ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डी आरसोनेबल गलबेनोमीटर डी आरसोनेबल गलबेनोमीटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है तो डी आरसोनेबल गलबेनोमीटर की मदद मतलब से हम लोग स्मॉल करेंट या फिर स्मॉल वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसका जो सेंसिटिविटी होता है लो होता है इट कैन बी यूज ओनली टू मेजर डीसी डायरेक्ट करंट केवल मेजर करते हैं लो वोल्टेज या लो करंट मेजर करने के लिए हम लोग डी आरसोनेबल गेलबेनोमीटर का यूज करते हैं केवल डीसी मेजर करते हैं एसी हम लोग मेजर नहीं करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट है इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कह रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एरर आर प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एरर जो प्रोड्यूस होता है किसके कारण तो हिस्ट्रेसिस के कारण भी प्रोड्यूस होता है और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी प्रोड्यूस होता है ये दोनों के कारण जो है एरर प्रोड्यूस होता है ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज नॉन लीनियर स्केल किसका नॉन लीनियर स्केल होता है मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है इलेक्ट्रोडाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का स्केल नॉन लीनियर होता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का भी स्केल नॉन लीनियर होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन है इन सिंगल फेज इनर्जी मीटर करेंट क्वाइल इज कनेक्टेड सिंगल फेज इनर्जी मीटर में करेंट क्वाइल को कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज विद द लोड लोड में लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है करेंट क्वाइल को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है सीरीज में तो टेन का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है मेजरमेंट इन ए रैंप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर इज परफॉर्म ड्यूरिंग मेजरमेंट किया जाता है रैंप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर में ये कब तो पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप दोनों के दौरान किया जाता है सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर डिजिटल वोल्ट मीटर का जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है मेगाओम में होता है तो दस मेगा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इंपीडेंस को मेजर करता है किस में तो पोलर फॉर्म में मेजर करता है ऑप्शन बी हो जाएगा पोलर फॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है

तो ड्वेल ट्रेस जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है सी हो जाएगा 15 का क्वेश्चन नंबर है फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज नॉट यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज नहीं करते हैं तो लोड सेल का यूज नहीं करते हैं बाकी सबका यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो है ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इन थर्मोकपल एलिमेंट हीट इनर्जी ट्रांसफर टू द हॉट जंक्शन इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल इनर्जी बाय किसके द्वारा जो है किया जाता है तो सी बैक इफेक्ट बोलते हैं इसको थर्मोकपल एलिमेंट में जो इनर्जी ट्रांसफर होता है हॉट जंक्शन पे वो कन्वर्ट कर दिया जाता है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इनर्जी में इस इफेक्ट को हम लोग सी बैक इफेक्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है लिजेशियस पैटर्न इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिजेशियस पैटर्न की मदद से फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी दोनों मेजर कर सकते हैं

क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डीसी एप्लीकेशन को लिखना है और एडवांटेज है right का क्या और क्या है दोनों लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर है डिराइव द टर्क इक्वेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो है टर्क इक्वेशन को डिराइव करना है जो कि टी डी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है करेंट को इसी को ड्राइव करना है और मूविंग मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल स्केल होता होता है वो होता है वो यूनिफॉर्म लीनियर बोलिए या यूनिफॉर्म बोलिए इसके और में पूछा स्टेट द साइलेंट फीचर ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर की विशेषता को बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव है लिस्ट द फैक्टर डेट कावजेज एर इन ए क्यूमीटर इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन होरिंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ सीआरओ सीआरओ का जो होरिजेंटल हो, डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है इसी का और है एक्सप्लेन पेल्टियर ईएमएफ एंड सीबैक ईएमएफ

इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट तो आपको रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर सिंगल फेज एनर्जी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर इंपीडेंस मीटर विध ए स्वीटेबल डायग्राम डायग्राम की मदद मतलब से वेक्टर इंपीडेंस मीटर को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ड्वेल स्लोप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन इसी के और में पूछा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑन ए सीआरओ नंबर इलेवन में पूछा है एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है और मैं पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स स्ट्रेन गॉज पी जो इलेक्ट्रिक ट्रांसिशन इस पे शॉर्ट नोट लिखना है तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है जो एग्जाम 13 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है एस बिहार के द्वारा ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो